हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल हिमाचली ब्लॉग्स करण ठाकुर में। तो गाइस, आज लेके आया हूं एक नई वीडियो। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की मेरी ऑल नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ हाइट की ओर। वहाँ पे है आज मेला, 20 जेठ का मेला होता है दोस्तों। तो उस मेले में दोस्तों मैं काफ़ी समय के बाद जा रहा हूँ। उस वक्त मैं 9th में पढ़ता था, तो 9th के बाद मैं आज जा रहा हूँ दोस्तों। अब ये मौका मिले ना मिले तो सोचा कि आज चल के आ जाता हूँ और वो मेला आपसे दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और मेला ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों आपको। तो हम गांव से बहुत सारे जा रहे हैं, लेडीज़ लोग भी हैं मेरे साथ, मेरे वाइफ भी है। और दोस्तों बने रहे वीडियो में, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही अच्छा प्लेस है दोस्तों। तो गाइस, आप वो हाइट में जो टावर देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर होता है दोस्तों वो मेला। तो हमने अभी वहाँ जाना है और मेरे घर से ऊपर को पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको 20 जेठ के मेले में। तो दोस्तों 20 जेठ के मेले में आती है हमारी माता भगवती, भुवनेश्वरी माता। तो दोस्तों 19 तारीख को माता मंदिर से निकलती है और पास में ही पड़ता है दोस्तों शाह गाँव। तो शाम को दोस्तों माता वहाँ पे स्टे करती है और दोस्तों वहाँ पे लगती है यात्रा बोलते हैं दोस्तों हमारे। तो दोस्तों फिर 20 की सुबह खाना खाने के बाद माता भुवनेश्वरी आती है दोस्तों, जहाँ पे होता है ये 20 जेठ का मेला। तो दोस्तों वहाँ पर बोलते हैं दोस्तों ध्वांश, बहुत ही ऊंचाई पे है और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यह 20 जेठ मेला पारंपरिक और ऐतिहासिक मेला है। तो इस मेले में दोस्तों ग्राम पंचायत लोट और ग्राम पंचायत तुरा और दूर दराज खेतों से बहुत सारे लोग मेले का एंजॉय लेने आते हैं दोस्तों। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में और मेले का एंजॉय ले और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें दोस्तों। जो चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे साथ है मेरे गांव की महिलाएं और कुछ बच्चे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं पिकअप में, चाचू की पिकअप है हमारे गांव की। तो आने जाने की सुविधा रहती है दोस्तों, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पैदल जाना थोड़ा असंभव होता है धूप में। दोस्तों ये जो सफ़र है घर से लेकर मेले तक का, ये लगभग आधे घंटे का रास्ता है दोस्तों, और हम अब धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। दोस्तों ये जो सामने आपको रेड छत का मकान दिख रहा है दोस्तों, जो यहाँ के स्थानीय विधायक श्री किशोरीलाल सागर जी का है, जो यहाँ के विधायक है MLA दोस्तों। यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों पानवी गांव का नाम है दोस्तों। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मेला ग्राउंड में, जहां पर लगता है दोस्तों 20 जेठ का जो मेला, पारंपरिक और ऐतिहासिक मेला है दोस्तों, सदियों से चला आ रहा है दोस्तों जो मेला। ये है चाचू हमारे जो बाय कर रहे हैं आपको। दोस्तों जहां पर यह मेला लगता है यहाँ पर बोलते हैं ध्वांश, काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पर स्थित है दोस्तों यह स्थान, और दूर दूर से जो है दोस्तों यहाँ व्यापारी लोग आते हैं और कुल्फी वाले और सभी लोग आते हैं दोस्तों। ये हमारे गांव की महिलाएं
यो है दोस्तों माता की ठहरी बोलते हैं दोस्तों, माता का बैठने का स्थान। जब माता आएगी तो यहाँ पे बैठेगी दोस्तों। ये देखो ये यहाँ झरना पकड़ो है। डाल ये बना रहे पकौड़े। अरे अरे क्या बात है, मेरे को ढूंढ लिया। हाँ हो सकता है और एक ब्राउन। ये तो जलेबी, यहाँ देखो यहाँ जलेबी बना रहे। यहाँ देखो, अरे 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 क्या बात, नो सॉरी। तो दोस्तों ये है हमारे गांव के चाचू श्री राम सिंह ठाकुर जी, और ये है बड़े वाले परे श्री ज्ञान सिंह ठाकुर जी। इनकी शॉप है दोस्तों मेले में जलेबी पकौड़े की, जो हर मेले में शॉप लगाते हैं दोस्तों। हाय बरा, हाय बरा। जलेबी मस्त, जलेबी मस्त। हाँ गर्म गर्म जलेबी। मुंह पा टेस्टी है ना। गाइज यह स्थान बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का दोस्तों, जहाँ पर जो मेला होता है। तो दोस्तों पास में पड़ता है दोस्तों सराहर राजकीय माध्यमिक पाठशाला है दोस्तों, वहाँ पर जहाँ मैं पढ़ा करता था। तो जब मैं 9th में पढ़ता था तो उस टाइम दोस्तों जो मेला देखा था मैंने, तो आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद जो मेला देख रहा हूँ दोस्तों और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेला पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेब के बड़े बड़े बगीचे हैं, जालियाँ बिछी है देख सकते हैं आप, जो ओलावृष्टि होती है उससे बचने के लिए ये सेब के पेड़ पर डाली जाती है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर रोड की सुविधा भी है, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ लगी है। तो पहले जो है यहाँ पर रोड नहीं था दोस्तों। ये है दोस्तों मेरे चाचू का बेटा और मेरा भांजा, इनको बहुत शौक रहता है दोस्तों यूट्यूब पे आने का। दोस्तों यहाँ पर माता भुवनेश्वरी का आगमन हो चुका है मेले में। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैंने थोड़ी बहुत शूट कर दी है, उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ क्योंकि इस वक्त कुछ नज़ारा अलग रहता है। तो दोस्तों आज 20 जेठ है, तो आज शाम को हमारी माता भुवनेश्वरी जाएगी तिरमिधार, जो कि हमारा जो गांव है कलोग वहां से नीचे को पड़ता है, बहुत ही डाउन में पड़ता है। तो दोस्तों आज वहां जाएगी माता और 21 जेठ की शाम को माता आएगी कलोग हमारे गांव में। तो दोस्तों यो है 20 जेठ का मेला। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। और दोस्तों धूप भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और माता बैठी है अपने स्थान पे जिसको कहते हैं दोस्तों ठहरी। यहाँ पर नाटी नहीं लगती है क्योंकि माता का उसूल है, यहाँ पे आती है और अपने स्थान पे बैठती है और यहाँ से सीधे नीचे जाएगी तिरमिधार आज, और वहाँ से कुछ लोग आते हैं माता को ले जाने के लिए, तो उनके साथ माता जाएगी। और पूरी जितनी हमारी लोट फाटी है सभी लोग जाते हैं दोस्तों, बिल बोलते हैं हमारे, बिल खाने।
यो है दोस्तों हमारा गांव का लोग। तो माता आ चुकी है नीचे तिरमिधार जाने को दोस्तों, जो कि गांव का नाम है। माता आज वहां जाएगी तो 2-5 मिनट के लिए हमारे गांव में स्टे करेगी और उसके बाद जो है माता प्रस्थान करेगी नीचे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में। दोस्तों मेरी वीडियो में आपको हिमाचल का ट्रेडिशनल और यहाँ का हमारा कल्चर, हमारी जो पारंपरिक परिस्थितियाँ होती है यहाँ की दोस्तों, वो देखने को मिलेगी। तो इन सब ऐतिहासिक घटनाओं को देखने के लिए दोस्तों बने रहे हिमाचली ब्लॉग करण ठाकुर के साथ। दोस्तों इस तरह से नाचती है हमारी माता भुवनेश्वरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको माता का नाच अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो माता के लिए लाइक, कमेंट और शेयर तो दोस्तों बनता ही है अगर आप माता को मानते हो। तो दोस्तों अभी नाचने के बाद माता जाएगी तिरमिधार, जो कि गांव का नाम है दोस्तों, बिल खाने बोलते हैं हमारे। तो कल माता आएगी वापस का लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, माता की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। पकड़ो पकड़ो, भारत के नाम। अरे वो कृपया करो।